हरिओम आदेश आदेश। मैं ओगट कालूराम सुल्तानपुरा भीलवाड़ा राजस्थान। सर्वप्रथम मैं मेरी सभी माताओं बहनों भाइयों गुरुओं गुरु भाइयों को तहे दिल से बारंबार प्रणाम करता हूँ। जाने अनजाने भूल में अगर कुछ गलती हो जाए तो हमारे को क्षमा करें। हम कभी भी अंधविश्वास नहीं फैलाते हैं, ना ही कभी भी हम किसी को गुमराह करते हैं। हम यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोगों को जानकारी देते हैं ताकि लोग घर बैठे अपनी समस्या का समाधान कर सकें। हमारे YouTube चैनल के जो भी टोने टोटके यंत्र तंत्र मंत्र जो भी आप कोई भी भगत अगर करना चाहते हो तो ध्यान से करें। अगर आप कोई हमारे YouTube चैनल के टोने टोटके तंत्र मंत्र यंत्र करते हो, अगर उसमें आपको कोई लाभ या हानि होगी तो उसका जिम्मेदार आप स्वयं खुद होंगे, हमारा कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। तो YouTube चैनल के टोने टोटके को ध्यान से करें, ना समझ में आए तो किसी का परामर्श अवश्य लें। दूसरी बात कि हमको हमारे गुरु महाराज पर अत्यंत पूर्ण विश्वास और श्रद्धा और आस्था है, तो हम हमारे गुरु महाराज की असीम कृपा से लोगों का कल्याण करते हैं और तरह तरह की बीमारी का समाधान करते हैं। हमारा YouTube चैनल एक आस्था और विश्वास के आधार पर चलता है। हमारे YouTube चैनल के माध्यम में कोई भी गलत वीडियो नहीं डालते हैं, जो सच होता है वही वीडियो हम डालते हैं। तो कभी भी हमारे YouTube चैनल के टोने टोटके अगर करते हो, उसमें अगर आपको लाभ या हानि हो गई है तो हमारा जिम्मेदारी कदापि नहीं रहेगा, वो आपका खुद स्वयं का जिम्मेदारी रहेगा। हरिओम आदेश आदेश आदेश। हरिओम आदेश आदेश। मैं ओगड़ कालूराम सुल्तानपुरा भीलवाड़ा राजस्थान। सर्वप्रथम मैं मेरी सभी माताओं बहनों भाइयों गुरुओं गुरु भाइयों को तहे दिल से बारंबार प्रणाम करता हूँ। जाने अनजाने भूल में अगर कुछ गलती हो जाए तो हमारे को क्षमा करें। आज हम आपको बताएंगे कि कलयुग में अघोर पंथ की उत्पत्ति कैसे हुई। अब सर्वप्रथम अघोर पंथ के संस्थापक कौन थे और कौन इसके सर्वप्रथम अनुयायी हुए जो अघोर पंथ को महाशिव सदाशिव के जाने के बाद में या उनका जब सारे शमशान को ब्लॉक कर दिया था तो उसके बाद में सर्वप्रथम अघोरी कौन बने थे, उनकी पूरी जीवन परिचय मैं आज आपको बताता हूँ। लाइव को सर्वप्रथम से लेके एंड तक अवश्य देखें ताकि आपको पूरा ज्ञान की वंचित हो जाएंगे। शिव सर्वप्रथम 27वां जब कल्प था उस समय मां शिव सदाशिव ने अघोर अवतार लिया था। 27वें कल्प में 19वें कल्प में और 21वें कल्प में सदाशिव ने 5 अवतार लिए थे। उन 5 अवतारों के नाम पे पहला है ईशान, दूसरा है तत्पुरुष, तीसरा है अघोर। पहला ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव और सतपुरुष, ये 5 अवतार लिए थे महाशिव ने 27वें 19वें कल्प में। ये 5 अवतार लिए थे। तीसरे नंबर का अवतार है अघोर अवतार। इस अघोर अवतार लेने के बाद में ही वैसे तो शिव ही
अघोरी है और उससे हुई महाअघोरी है। उसके बाद में जब इस प्रथा का अघोरियों का प्रथा का जब कोई अनुपालना करने वाला नहीं हुआ था, ठीक उसके बाद में कलयुग में अघोरी कीनाराम जी का नाम आप सभी जानते होंगे, तो अघोरी कीनाराम जी के नाम से एक बहुत अच्छा भगत जन्म लिया इस धरती पर। तो बाबा कीनाराम जी का जन्म बनारस के चंदौली जिले के रामगढ़ गांव के एक क्षत्रिय परिवार में बाबा कीनाराम जी का जन्म हुआ था। अघोरी कीनाराम जी के पिताजी का नाम अकबर सिंह था और माता का नाम मनसा देवी था। जन्म लेने के बाद में अघोरी कीनाराम जी का सर्वप्रथम से ही उनका भक्ति भावना में बहुत अच्छा मन था। वो हमेशा इधर उधर देवी देवताओं की पूजा करने में बहुत लगन रखते थे। अघोरी कीनाराम जी का जन्म सन 1601 में हुआ था क्षत्रिय परिवार में। सन 1601 में अघोरी कीनाराम जी का जन्म हुआ था, एक क्षत्रिय परिवार में उनका जन्म हुआ था। धीरे धीरे जब अघोरी कीनाराम जी 12 वर्ष के हो गए तो 12 वर्ष में ही अघोरी कीनाराम जी के माता पिता स्वर्गवास हो गए थे। उसके बाद में अघोरी कीनाराम जी का मार्ग एकदम सरल और ज्यादा हो गया था। तो सर्वप्रथम अघोरी कीनाराम जी अपना प्रथम गुरु है सेवादास, जो चंदौली जिले के ही एक गांव में सेवादास नाम का एक बहुत बड़ा भगत था। तो अघोरी कीनाराम जी ने सेवादास की शरण में गए और वहां पर उनके वहां पे सेवा चाकरी की। तो सेवादास जी ने उनको गुरु मंत्र देकर और उनको आगे बढ़ाने का मार्ग किया था। फिर उसके बाद में अघोरी कीनाराम जी धीरे 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 आगे बढ़ते गए और फिर जैसे ही अघोरी कीनाराम जी सेवादास के घर से निकलकर भ्रमण के लिए जा रहे थे तो एक गांव में अघोरी कीनाराम जी को एक रोती हुई बुढ़िया मिली। तो रोती हुई बुढ़िया मिली तो अघोरी कीनाराम जी बोले कि हे माता, आपको क्या समस्या है और आपको क्या प्रॉब्लम है। तो अघोरी कीनाराम जी ने जब उनको बताया कि बुढ़िया ने बताया कि हे माता, हमारे को ये समस्या, मेरा एक ही बच्चा है, एक ही बच्चा साहूकार के गिरवी रख रखा है। तो अघोरी कीनाराम जी बोले ठीक है माता, आप निराश ना हो, मैं जाता हूँ साहूकार के पास। अघोरी कीनाराम जी साहूकार के पास गए तो वहां पर बच्चे को देखकर राजा को बोला कि हे साहूकार, ये बच्चे को आप छोड़ दीजिए। तो साहूकार बोला भी पहले हमारा पैसा चुका दे, फिर आप ये बच्चे को आप ले जा सकते हो। तो अघोरी कीनाराम जी ने उस साहूकार को बोला कि हे अहंकार रूपी मानव, ये तेरा पैर उठा और यहाँ पे धरती को खोद। तो जैसे ही उस साहूकार ने धरती खोदा तो वहां पर उस बालक से भी दुगुना तिगुना धन उसको वहां पर उस साहूकार को मिला। तो फिर वो साहूकार ने सोचा कि ये महात्मा कोई छोटा मोटा महात्मा नहीं है। उस बालक को अघोरी कीनाराम जी को सौंपा। उस बालक का नाम था बीजाराम। बीजाराम को लेकर अघोरी कीनाराम जी जब उसकी माता के पास गए, बीजाराम की माता के पास, तब वहां पर बोला कि हे माते, ये आपका बच्चा है, आराम से इसका लालन पालन करो और अच्छा काम करो। तो माता बोली कि हे महात्मा जी, मेरा बच्चा पहले ही ये गिरवी रख रखा है, अगर आप ना आते तो मेरा बच्चा नहीं छूट पाता था। तभी से अघोरी कीनाराम जी को वो माता बोली कि हे महात्मा, ये बच्चा आज से आपके बच्चे के रूप में मैं आपको सौंपती हूँ। ठीक ऐसा ही करते अघोरी कीनाराम जी ने बीजाराम को अपने साथ में लेके माता हिंगलाज रानी के वहां पर, जो अभी पाकिस्तान में माता हिंगलाज रानी का महामंदिर है, हिंगलाज माता की, अघोरी कीनाराम जी और बीजाराम ने बहुत सालों तक तपस्या की हिंगलाज माता की। हिंगलाज माता ने प्रसन्न होकर अघोरी कीनाराम जी को आशीर्वाद दिया कि हे बेटा, तुम गुजरात के जूनागढ़ के गिरनार पर्वत पर जाओ, वहां पर तुम्हारा भगवान दत्तात्रेय से आपकी भेंट होगी और आपको पूरा अघोर मार्ग का वो ही ज्ञान बताएंगे। तो अघोर मार्ग के जो प्रवक्ता है भगवान दत्तात्रेय को, इसको अघोराचार्य माना जाता है।
अब सर्वप्रथम जो अघोरी किनाराम जी ही अघोरी हुए थे, उसके बाद में हिंगलाज माता के आदेश के अनुसार जूनागढ़ के गिरनार पहाड़ी पर ऊपर भगवान दत्तात्रेय का आसन था और गुरु गोरखनाथ जी का भी आसन था। वहां पर गए भगवान दत्तात्रेय को बहुत सालों तक तपस्या करके भगवान दत्तात्रेय को प्रसन्न किया और फिर भगवान दत्तात्रेय ने एक सोटा देकर के और एक सोटा और एक चादर देकर के बोला कि हे किनाराम, अब तुम जाओ काशी में, वहां पर बाबा कालूराम चंडाल, उस जो बनारस में जो भगत था उसका नाम था बाबा कालूराम चंडाल, वहां पर जाओ और वहां पर गुरु दीक्षित हो जाओ, आपका वही आगे से आगे मार्गदर्शन करता रहेगा। फिर वहां से भगवान दत्तात्रेय से दीक्षित होकर बनारस काशी में अघोरी किनाराम जी गए, जहां पर बाबा कालूराम चंडाल खोपड़ी के ऊपर सिद्धि कर रहे थे। चलो वो चंडाल फिर वहां पर गए और दोनों काल बाबा कालूराम जी को अघोरी किनाराम जी ने गुरु बनाया। फिर दोनों गुरु चेला आराम से वहां पर गंगा घाट पर अघोरी बाबा कालूराम जो चंडाल के नाम से महान संत थे, वो राजा हरिश्चंद्र घाट पर तपस्या करते थे। अघोरी बाबा कालूराम जी राजा मणिकर्णिका घाट पर तपस्या नहीं करते थे, वो राजा हरिश्चंद्र घाट पर तपस्या करते थे। अघोरी किनाराम जी की भेंट और बाबा कालूराम जी की भेंट राजा हरिश्चंद्र के घाट पर हुई थी। फिर दोनों गुरु चेला ने अच्छी तरह से मच्छी बनाया, वहां पर खाया, बहुत सालों तक दोनों गुरु चेला अच्छे रहे। उसके बाद में बाबा कालूराम स्वर्गवास चल बसे और बाबा कालूराम की धूनी पर किनाराम जी ने बहुत सालों तक तपस्या की। फिर उसके बाद में वहां पर एक क्रीम कुंड अघोरी किनाराम जी ने स्थापित किया था। ये क्रीम कुंड बहुत अच्छी तरह से फेमस है, आज भी काशी के अंदर बनारस में बाबा किनाराम जी का बहुत बड़ा स्थान है। अघोर मार्ग में जाने वाला भगत कभी भी किसी को दुखी नहीं करता। फिर अघोरी किनाराम जी का 170 वर्ष तक वो जिए और 170 वर्ष तक उनकी सभी समाज कल्याण करना, दुखियों की सेवा करना, गांव गांव में जाना, हर दुखी का दुख मेटना, ये अघोरी किनाराम जी का परम कर्तव्य था। 170 साल के बाद में अघोरी किनाराम जी का स्वर्गवास हुआ था, यानी 1770 में उनका 1601 में अघोरी किनाराम जी का जन्म हुआ था बनारस के चंदौली जिले के रामगढ़ गांव में क्षत्रिय परिवार में। 170 वर्ष तक उन्हें पूरा जीवन की लीला की और 1770 में अघोरी किनाराम जी का देहांत हुआ था। तो हमारे जो सर्वप्रथम अघोरी थे वो महा सदाशिव थे, क्योंकि सदाशिव ने तो बार बार बहुत रूपों में अघोर रूप में अवतार लिया था, लेकिन 27वें कल्प में तीसरे नंबर पे अघोर मार्ग का रास्ता बना और वहीं से अघोर मार्ग शुरू हुआ था। यह कलयुग में अघोर मार्ग की स्थापना ही है। भगवान दत्तात्रेय को भी अघोराचार्य के रूप में माना जाता है और हिंगलाज माता को भी अघोरा की देवी माना जाता है। तो मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, ये जो मैंने आपको बताया है ये एक अघोर मार्ग का कटु सत्य है। अघोर मार्ग में जाने वाला व्यक्ति हमेशा निर्मल स्वभाव का होता है, हमेशा दया की भावना रखता है, कभी किसी को सताता नहीं है, सबको एक समान समझता है, हर किसी की हमेशा हेल्प करने की वो अपने मन में इच्छा रखता है। दूसरी, कभी भी वो आश्रम बनाकर किसी से ठगाई पड़ा नहीं करता है। अघोर मार्ग के भगत में कभी अहंकार नहीं होता है, उनकी जो वाणी है एकदम निर्मल और सुलभ होती है। यही है अघोर मार्ग में जाने वाले व्यक्ति की पहचान। अघोर मार्ग के व्यक्ति हमेशा समाज कल्याण करने में ही उनका जीवन व्यतीत करता है। आश्रम बनाता है तो दुखियों की निःशुल्क सेवा करता है। जो कोई भगत अघोर मार्ग के सत्य कटु अति सुलभ और सरल मार्ग को, इस पे बहुत लोगों ने कलंकित लगाना शुरू कर दिया,
ऐसे लोग हैं जो काले कपड़े पहनकर टीका लगाकर भस्म लगाकर और खुद अघोर उग्र नाम देते हैं, जो कि ये अघोर मार्ग के नाम पर कलंक पुरुष है। तो ध्यान से सुनिए, ये है अघोर मार्ग की पूरी गतिविधियां। अगर जो भोगती पंचायत करके और काले कपड़े पहन के लोगों को लूटता है और लोगों को चूतिया बनाता है, तो ये अघोर मार्ग का व्यक्ति नहीं है, ये दुकान चलाने वाला व्यक्ति है। तो हमेशा ध्यान रखे भैया, अघोर मार्ग के सत्य मार्ग को अगर कोई बदनाम करेगा तो उनका सत्यानाश अवश्य होगा। दूसरी बात, सच्चा अघोर मार्ग का भगत अपनी गुप्त विद्या को कभी भी ओपन नहीं करता है। जो गुरु महाराज से उपदेश लेता है वो गुप्त ही रखता है, कभी ओपन नहीं करता है। लेकिन इस समय ये सोशल मीडिया का जमाना है, आम आदमी भी बिच्छू का मंत्र सीखने के बाद में अपने आप को एक महान अघोर ओगर नाम लगा देता है। तो ऐसे नकली ओगर अघोरियों को मैं एक ही चैलेंज देता हूँ, अगर तुम सच्चे गुरु भगत और अघोर मार्ग के व्यक्ति हो तो कभी भी गरीब व्यक्ति को, दुखी व्यक्ति को ठगना मत भैया, नहीं तो यह अघोर मार्ग का कटु सत्य आपकी पूरी जीवनी बर्बाद कर सकता है। अघोर मार्ग के नाम को बदनाम मत करो भाई, अघोर मार्ग अति सुलभ और अच्छा मार्ग है। इनमें जाने वाला व्यक्ति सीधा मोक्ष को प्राप्ति करता है, लेकिन नकली अघोरियों, नकली ओगड़ों थोड़ा सुधरो रे। कभी अगर आपका असली अघोरी के साथ में भेंट हो जाएगा ना, तो आपका सारा अघोरपना एक सेकंड में निकाल देंगे। तो ये जो मैंने अघोर मार्ग का सर्वप्रथम कौन अपना संस्थापक थे, कौन थे, उसके बारे में पूरा ज्ञान मैंने बताया है। तो हरिओम, आदेश आदेश, सभी भगत खुश रहो हमेशा हमेशा, और गुरु महाराज आपका कल्याण करे। कभी भी नकली ओगड़ अघोरियों के चक्कर में ना पड़े भैया, नहीं तो जय सीताराम। 15